पालमपुर उपमंडल अधिकारी कार्यालय परिसर पार्किंग को लेकर प्रशासन ने नए फरमान जारी करते हुए इसे होमगार्ड जवानों के हवाले कर दिया है। अब होमगार्ड जवान परिसर में दाखिल होने वाले वाहनों की पर्ची काटेंगे। हालांकि आम जनता इसे बोझ के रूप में देख रही है, लेकिन इस बात को लेकर प्रसन्नता भी जाहिर की जा रही है कि अब परिसर में मुफ्तखोर लोग बिना मतलब के वाहन पार्क नहीं कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि यहां पर कुछ वाहन चालक वाहन खड़े करके देर शाम तक चले जाते थे और यहां निजी कार्यों को निपटाने आए लोगों को वाहन खड़ा करने में भारी दिक्कत आती थी और उल्टा चालान कटवाने पड़ते थे। अब प्रशासन ने एक उचित दर के तहत यहां पर पार्किंग फीस लेना शुरू कर दी है। होमगार्ड हवलदार रंजन कुमार ने कहा कि अब यहां वाहनों की पार्किंग के लिए 20 रुपए प्रति वाहन फीस रखी गई है। उन्होंने कहा कि 12 घंटे तक वाहन पार्क करने की दशा में वाहन चालक को 100 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। इसके अलावा 6 घंटे की पार्किंग पर वाहन चालक को 50 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कि जो ये उपमंडल अधिकारी के क्षेत्र में जो पार्किंग आती है इसको पेड आज से जो है लागू कर दिया गया है। इसमें जो है टू व्हीलर व फोर व्हीलर का अलग अलग से चार्ज रखा गया है। इसमें जो है टू व्हीलर का 2 घंटे तक जो है वो 10 रुपए, 2 घंटे से बढ़कर 6 घंटे तक जो 20 रुपए है, और 12 घंटे तक अगर आप इसमें पार्किंग करेंगे तो 50 रुपए जो है टू व्हीलर का चार्जेस लिया जाएगा, और फोर व्हीलर का है इसमें 2 घंटे तक 20 रुपए, 6 घंटे तक 50 रुपए, 12 घंटे तक अगर आप यहाँ पर पार्किंग करते हैं तो 100 रुपए इसका चार्जेस दिया जाएगा। और इसमें जो है हम बाकायदा रसीद उनको दें और उसमें वो टाइमिंग जो है वो डाल रहे हैं, और आज से ही ये जो पेड पार्किंग जो शुरू हुई है इसमें हमारे जो होमगार्ड के जवान है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने और कहाँ कहाँ व्यवस्था ऐसी रखी है जो अपने पास रखी है पार्किंग? जिला कांगड़ा में उपमंडल दंडाधिकारी जब कांगड़ा जिला में तैनात थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रयासों से शुरुआत की है, और धर्मशाला में भी ऐसे प्रयास जो है वो प्रशासन ने खुद किए हुए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पालमपुर से अमीर बेदी।